राधे राधे दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज मैं आपके लिए फिर लाया हूँ एक प्यारी सी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी ऐसी लोकेशन पे जो आपका मेन हाईवे से 150 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ रहने वाली है। बात करेंगे इसके डायमेंशन की। 20x50 के डायमेंशन में 111 स्क्वायर यार्ड में आपके लिए शानदार सा विला हम लेके आए हैं आपके शहर जयपुर में। करेंगे इनसाइड का विजिट। फ्रंट एलिवेशन आपने देख लिया, 3 बेडरूम के साथ 3 अटैच लेट बाथ, 1 मॉड्यूलर किचन के साथ में एक लिविंग एरिया शानदार सा आपका यहाँ रहने वाला। रोड के बिल्कुल नियर बाई आपकी शानदार सी ये कॉलोनी रहने वाली है। फ्रंट में देखेंगे डिको स्प्रे के साथ में काफ़ी अच्छी लुकिंग डिजाइन में आपको यहाँ मेन एंड गेट की एंट्री दी गई है। साथ ही में देखेंगे एक बिग साइज का स्पेस आपको यहाँ दिया गया है जो कि आपके विला मेन रोड के नियर बाई रहने वाला है। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आपका ये रहने वाला है। मेन गेट की एंट्री के साथ में देखेंगे कि पार्किंग एरिया काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको यहाँ पार्किंग एरिया दिया गया है। साथ में लॉबी एरिया भी काफ़ी अच्छी साइज़ में आपको यहाँ दिया गया है। 111 स्क्वायर यार्ड में शानदार सा आपका ये विला रहने वाला है। मीटर का कनेक्शन ऑलरेडी आपके लिए यहाँ करवा के दिया गया है। साथ में देखेंगे कि मोटर के लिए भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस स्टेज के बिल्कुल नीचे दिया गया है। साथ में वाटर टैंक आपको यहाँ बना के दिया गया है जिसमें एक 8 से 9 हज़ार लीटर तक का वाटर आराम से इसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं। करेंगे इनसाइड का विजिट। 2 स्टेप्स के बाद में आ रहे हैं इनसाइड में, तो इनसाइड से पहले देखेंगे कि आउटसाइड से यहाँ स्टेज दी गई है। काफ़ी अच्छी साइज में आपको स्टेज यहाँ दी गई है। साथ में SS की अच्छी क्वालिटी की रेलिंग लगा के दी गई है। फर्स्ट फ्लोर पर आपके एक रूम के साथ में एक वेस्टर्न सीट का अटैच लेट बाथ भी रहने वाला है। चलते हैं अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया 111 स्क्वायर यार्ड का शानदार सा आपका विला है इसमें रहने वाला है। साथ में ही आप देखेंगे कि जैसे ही हम लिविंग एरिया में एंट्री करते हैं शानदार सा आपको यहाँ टीवी पैनल लाइटिंग के साथ में आपको यहाँ प्रिपेयर करके दिया गया है। बिग साइज़ की LED आराम से इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में देखेंगे इंडियन सीट के साथ में आपको फुली टाइल्स वर्क के साथ में यहाँ लेट बाथ दिया गया है। लिविंग एरिया का स्पेस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ में देखेंगे एक एक्स्ट्रा स्पेस में आपको यहाँ पे वॉश बेसिन लगा के दिया गया है जो ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ हो चुका है। साथ में फुली टाइल्स वर्क यहाँ करके दिया गया है। एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है अपने अकॉर्डिंग, ये यूजेबल स्पेस आपका रहने वाला है। साथ में देखेंगे शानदार सा आपका टेक्सचर कलर के साथ में आपकी वॉल यहाँ प्रिपेयर करके दी गई है। साथ में देखेंगे फोर सेलिंग का वर्क भी काफ़ी अच्छी डिजाइन में आपको यहाँ करके दिया गया है। साथ में कैंडलाइट यहाँ लगा के दिया गया है। फैन आपको ऑलरेडी यहाँ लगा के दिए जाएंगे। विजिट करेंगे शानदार से अपने मॉड्यूलर किचन का। मॉड्यूलर किचन से पहले रिक्वेस्ट करूँगा अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर भी दीजिए ताकि आने वाले हर एक प्यारे से नए से वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सके, और साथ में बेल आइकन को दबाना तो कभी ना भूले। ये आ गई शानदार सी आपकी मॉड्यूलर किचन। काफ़ी अच्छे साइज़ में आपकी मॉड्यूलर किचन यहाँ रहने वाली है। ग्रेनाइट के LCF के टॉप के साथ में आपकी किचन यहाँ प्रिपेयर करके दी गई है। साथ में आपको अपर कैबिनेट दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी डिजाइन में आपको तैयार करके दिए गए। साथ ही में देखेंगे कि बिग साइज़ की विंडो यहाँ दी गई है जिससे एयर सनलाइट में कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं रहने वाली है। स्पेसिंग आपका विला रहने वाला है। मॉड्यूलर किचन में भी आपको यहाँ टाइल्स का वर्क करके दिया गया है। साथ में देखेंगे लोअर कैबिनेट्स आपको यहाँ दी गई है, स्लाइडर डोर्स की कैबिनेट्स आपको यहाँ दी गई है। काफ़ी बिग साइज़ में आपका ये मॉड्यूलर किचन यहाँ रहने वाला है। आराम से इस किचन में 4 से 5 लेडीज यहाँ वर्क कर सकती है। एक अच्छी साइज़ का आपका ये किचन रहने वाला। फ्रेंड्स चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। फर्स्ट बेडरूम भी आपका अच्छा स्पेस में रहने वाला है। साथ में देखेंगे कि फर्स्ट बेडरूम में आपको यहाँ एक बिग साइज़ का बैकयार्ड एरिया दिया गया है। काफ़ी अच्छे स्पेस में आपका बैकयार्ड एरिया रहने वाला है। साथ में देखेंगे कि अपर कट दिया गया है जिसमें एयर और सनलाइट प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ में देखेंगे टेक्सचर कलर, एक अच्छी क्वालिटी का टेक्सचर कलर अलग ही डिजाइन में यहाँ आपको तैयार करके दिया गया है। साथ में अपर वॉल से आपको आपकी 4 सीलिंग से इसको कलर को कॉम्बिनेट करके दिया गया है। साथ में आपको AC का सेपरेट पॉइंट आपके इस विला के इस रूम में दिया गया है। फुली वार्डरोब आपको यहाँ पे दी गई है। साथ में देखेंगे आपको यहाँ वेस्टर्न सीट के साथ में बिग साइज में आपको फुली टाइल्स वर्क के साथ में अटैच लेट बाथ दिया गया है जो कि आपकी वेस्टर्न सीट के साथ में है। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की ओर। सेकंड बेडरूम को और जाने से पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको लोकेशन। लोकेशन आपकी मेन कालवाड़ रोड से बिल्कुल 150 मीटर की दूरी पे, या ये कहूं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मेन रोड बिल्कुल आपके विला के पास में ही रहने वाली है। आप देखेंगे वॉल पे एक अलग डिजाइन का टेक्सचर कलर यहाँ करके दिया गया है। 4 सीलिंग भी एक अलग लुकिंग डिजाइन में यहाँ तैयार करके दी गई है। साथ में फुली विंडो दी गया है।
फुली विंडो यहाँ दिया गया है जिससे एयर सनलाइट तो प्रॉपर मिलेगी, साथ में ईस्ट फेसिंग आपका विला रहने वाला है। डूल एंट्री दी गई है, लोबी एरिया से एंट्री दी गई, इनसाइड से एंट्री दी गई है। डूल एंट्री आपके इस रूम में रहने वाली है। विजिट कर लिया आपने ग्राउंड फ्लोर का, अब चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे स्टेयर्स काफ़ी अच्छे स्पेस में आपकी यहाँ रहने वाली हैं। 20 बाई 50 के डायमेंशन में 111 स्क्वायर यार्ड का शानदार सा आपका विला रहने वाला है। साथ में टफल ग्लासेस का वर्क आपको यहाँ करके दिया गया है, साथ में एसएस की अच्छी क्वालिटी की रेलिंग आपको यहाँ पे यूज़ की गई है। फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ दिया गया है, एक बिग साइज़ का स्पेस आपको स्टेयर्स पे यहाँ दिया गया है, जो अपने अकॉर्डिंग ये अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि इस साइड में आपको वॉश बेसिन लगा के दिया गया है, साथ में ही बिग साइज़ में आपको यहाँ पे वेस्टर्न सीट के साथ में टाइल्स वर्क के साथ में वेस्टर्न सीट के साथ में आपको यहाँ लेट बाथ दिया गया है। चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम भी आपका अच्छा स्पेस में रहने वाला है, साथ में पहले विजिट करते हैं अपने बालकोनी की। बालकोनी भी आपकी एक अच्छे स्पेस में यहाँ रहने वाली है। बालकोनी में भी आप देखेंगे फुली विंडो आपको यहाँ दी गई है, कूलर लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आपका यहाँ रहने वाला है, साथ में एयर सनलाइट प्रॉपर आपको यहाँ मिलती रहेगी, ईस्ट फेसिंग आपका ये विला रहने वाला है। बात करेंगे वॉल की, टेक्सचर कलर के साथ में आपको वॉल तैयार करके दी गई है, साथ में फोर सीलिंग वर्क आपको यहाँ करके दिया गया है। फ्रेंड्स करेंगे फाइनली प्राइस की बात। प्राइस की बात से पहले बता देता हूँ, आपके अपने शहर जयपुर में कालवाड़ रोड पे, रोड से बिल्कुल 150 मीटर के डिस्टेंस पे आपका शानदार सा 111 गज का ये विला रहने वाला है। प्राइस मात्र 48 लाख आपकी होने वाली है। नंबर मेरी साइड स्क्रीन पे बिलिंग कर रहे हैं। फिर मिलेंगे प्यारे से और नए से वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे दोस्तों।